नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं। पंचायत में पंचायत की बात करें, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया है इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के रामधनाव पंचायत में। रामधनाव पंचायत की मुखिया होती हैं अंजनी कुमारी। जो शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनका नाम प्रभुनाथ मांझी। इस पंचायत की जो मुखिया है अंजनी कुमारी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं, एक तरह से मुखिया प्रतिनिधि भी आप इनको कह सकते हैं। सारा कार्यभार अंजनी कुमारी जी ने इनको सौंप रखा है पंचायत का, कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है, सारा दामोदर इनके कंधे पे है पंचायत का। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ इन्होंने विकास का कार्य किया है और क्या कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा है पंचायत में विकास के मुद्दों पर। तो आइए रुख करते हैं प्रभुनाथ मांझी जी की ओर। पहले तो प्रभुनाथ मांझी जी, आपका स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, कैसी स्थिति अभी चल रही है आपके पंचायत की? फंड के अभाव के चलते बिहार के सभी पंचायतों की स्थिति बहुत खराब चल रही है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे नल जल हो गए, 15 मीटर सिस्टम हो गए, अरे शुरुआत करते हैं नल जल योजना से, कैसी स्थिति है? सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना जी, पक्की गली नाली योजना, बहुत प्रभावी योजना थी, जनहित के लिए बहुत विशेषकर प्रभावित योजना थी। जन जन का कल्याण होता था, लोग पानी पीते थे, लोगों की आदत सी लग गई थी नल का पानी पीने के लिए। लेकिन विगत 6 महीना से जो स्थिति सरकार की द्वारा की गई है कि इस चीज़ को पंचायत से हटाकर पीएचडी को दे दिया गया है। पीएचडी सरकार का संस्था है जिससे आज तक पहले का गरा हुआ चापाकल रिपेयर नहीं हुआ, जो आज गांव गवाई के पीएचडी के अधिकारी बात नहीं सुनते, गांव गवाई के नल जल योजना को शुद्ध करने चली है। पीएचडी के अधिकारी सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं कि आते हैं, आज ठीक कर देते हैं, कल ठीक कर देते हैं। लगभग 75% नल जल योजना नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना फेल पड़ी है। अच्छा, नल जल योजना मुखिया के अंतर्गत आता तो ज़्यादा अच्छा रहता आपके हिसाब से? हम लोग उसको हमेशा रिपेयर करते थे, बनवाते थे, वार्ड सदस्य हमारे अपने पॉकेट से पैसा लगाकर और उसको चालू रखते थे। उनको ये उम्मीद होती सरकार रिपेयर का पैसा भेजेगी, हम अपना पैसा खर्चा करेंगे, जब सरकार भेजेगी तो अपना ले लेंगे। इस उम्मीद के चलते वार्ड सदस्य लोग